हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम सिंह आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। इसमें आज हम NVS नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्ज़ाम मई में हुआ है उसका हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। १२०२ में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसने नष्ट किया था वह थे बख्तियार खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो जो धातु की जानकारी नहीं थी वह थी लोहे की। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो ये समझौता कराया था लोकमान्य तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महिष्मति शहर किस महाजनपद में स्थित था? यह स्थित था आवंती में। अकबर ने किस जैन धर्माचार्य को सम्मानित किया था? तो जो सम्मानित किया था वह थे हरि विजय शूरी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1921 में। 7 निम्न में से किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया दादा भाई नौरोजी को। गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा कोष निम्न में से कौन सा है? वह है बयाना का कोष। भारत आने वाले पहले जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशन सोसाइटी 1904 में निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया VD सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो समाप्त करने वाले जो हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। औरंगजेब निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वो वीणा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी जनपद था? तो यह था वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग में से व्यापार करना शुरू किया? तो जो व्यापार करना शुरू किया था वह था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ पर स्थापित किया था? वह स्थापित किया था पुलिकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? वह था केवल व्यापार करना। किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। किस भक्ति कालीन संत ने पहली बार अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो वो थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? तो वो किया था रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग में। अरब पर निम्नलिखित किसने कब्जा किया? इस कब्जे ने धर्म युद्ध का नेतृत्व किया यरूशलम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयबजी थे। बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था कुशीनगर में।
काउंटर सुधार क्या है? काउंटर सुधार है, इसे कैथोलिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध, जौ, डेयरी उत्पादन, सब्जियां, फल, ये थे। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? यह कबीला था कच्छ वाहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस प्रकृति की थी? ये थी शहरी प्रकृति की। ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांतो देव थे। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। श्रीलंका के उस राजा का नाम बताइए जो अशोक के समकालीन था। देव नाम पियस्य तिसा। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? वह था कालीबंगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है? तो अस्माक। बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे निम्न में से किससे प्रभावित हुए? वो प्रभावित हुए थे केशव चंद्र सेन से। 23वें जैन तीर्थकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं वाराणसी से। निम्नलिखित किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? वह है जहांगीर का मकबरा। निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 गणतंत्र गुटों का मंडल था? वह था वज्जी। सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद है एक भूमि आधारित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली। गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा में लिया गया? तो जो भाषा में लिया गया वह है लैटिन भाषा। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो अस्किनी के नाम से जाना जाता था। संत रामदेव पेशे से एक दर्जी थे। पश्चिम भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस थे। गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो वो है सूर्य देवता। अबुल फजल ने अकबर नामा को कितने वर्ष में पूरा किया? तो वो किया 7 वर्ष में। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित हैं? 10 महाजनपद स्थित हैं। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया? तो यह पेश किया गया अलाई दरवाजा में। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। किस ब्रिटिश शासक राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक विद्रोह था? डिजरेली ने। किस सम्मेलन की नरिस्ता कहा जाता था जिसका अर्थ एक ऐसी संकल्पना है जिससे तोड़ा नहीं जा सकता? सभा। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? यह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? अस्माक। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो वह किया था मौर्य वंश ने। जौनपुर शहर निम्नलिखित किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था?
अमीर खुसरो ने। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। आठ राष्ट्रों का संगठन सन 1900 की गर्मियों में बक्सर विद्रोह के जवाब के रूप में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन था। इसमें कुल कितने राष्ट्र शामिल थे? तो इसमें जो शामिल थे वे थे जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, इटली और ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा के मुद्दे से संबंधित है? वह है आठवीं अनुसूची। दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो यह एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। गुप्त काल में भूमि निम्नलिखित किसमें नापी जाती थी? तो यह नापी जाती थी निर्वर्तना में। या फ्रेंड्स, हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एनवीएस में कुल 60 क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के, और यहाँ पर ये वीडियोस मैं फिनिश करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।